हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो है वाइट चिक पीस, यानी कि सफ़ेद छोले या सफ़ेद चने, या काबुली चने कह सकते हैं इनको। तो सबसे पहले हम इनको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। तो इसको जो बनाने का प्रोसेस है वो आपके साथ कल प्रोसीजर में शेयर करूँगा पूरा। तो करते हैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमने ओवरनाइट सोक करके रखे थे चने, ये देखें। तो इनको हम दो विसल करवाएंगे, ये देख सकते हैं आप। इनको हम सबसे पहले दो या तीन विसल करवाएंगे ताकि ये बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी आपके साथ शेयर करता हूँ कि मसाला इसमें क्या रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चने जो हैं वो हमने विसल करने के लिए इंडक्शन पे चढ़ा दिए। 3 से 4 विसल आने का वेट करेंगे इसका। तब तक हम जो हमारा मसाला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ग्रेवी इसकी क्या बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं, 4 मीडियम साइज प्याज ले ली है हमने। सबसे प्याज को फाइन चॉप करेंगे हम। और ये जो हमारे वाइट वाले चने हैं, आज हम बनाने काबुली चने यानी के, वो बनाने वाले हैं देसी घी के अंदर। तो सबसे पहले इसको पील ऑफ करके फाइन चॉप करते हैं प्याज को। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हमने चॉप कर लिए। तो सबसे पहले प्याज हम फ्राई करेंगे अच्छे से देसी घी के अंदर, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे ताकि जो प्याज की रॉनेस है वो सब ख़त्म हो जाए, ये देखें। तो करते हैं अपने प्रोसेस को फॉलो। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज हमने अच्छे से डीप फ्राई कर लिए हैं अपने। तो इनको सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर के अंदर। तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज टमाटर हमने लिया था, तो उसका भी पेस्ट इसी के साथ बना देंगे और पेस्ट को हम पकाएंगे। और जो मसाले इस पेस्ट में रहने वाले हैं काबुली चने के लिए, वो आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। बड़े सिंपल से मसाले और बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी है। तो कुछ काजू भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा दरदरा सा पीसना है प्याज को, ये देखें। तो अब टमाटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और टमाटर की प्यूरी बना के इसमें ऐड कर देंगे हम। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, हमने ये सारा मिक्स जो है वो इसमें ऐड कर दिया है, ये देखें, ये आ गया। तो उसी के साथ जो टमाटर हमने ग्राइंड किए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ताकि इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और कलर भी इसका टेक्सचर अच्छा आ जाए। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि ये मसाला हमारा नीचे लगे ना। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे लगे ना। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छा सा बॉयल आने देंगे इसके अंदर हम, ताकि जो हमारी टमाटर की रॉनेस है और जिंजर गार्लिक पेस्ट की थोड़ी रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए इसके बीच में। फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। और मसाले बड़े सिंपल से 2 या 3 मसाले इसमें रहने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कौन कौन से मसाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो इसमें मसाले रहेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम कुटी हुई सौंफ इसमें ऐड करेंगे। तो रेड चिल्ली पाउडर हमने इसमें पहले से ऐड किया था और नमक हमने पहले से ऐड किया था जब हमने चने को सीटी करवाई थी, तो इसलिए नमक हम इसमें टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्ची भी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको एक अच्छा सा बॉयल आने देते हैं मिक्स करके। जो ये हमने मसाले ऐड किए हैं इसके अंदर, इनको इसमें मिक्स करके एक अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे चनों के साथ, जिसमें हमने 1 सीटी करवाई थी और 2 सीटियाँ अभी हम उसमें और करवाएँगे और चने हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कसूरी मेथी एक हम ऐड करेंगे, वो सबसे लास्ट में ऐड होगी। तो वेट करते हैं इनको अच्छे सा बॉयल आने का, उसके बाद इसको चने के साथ ऐड कर देंगे इस मिक्स को। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ग्रेवी में बॉयल बड़ा अच्छा सा आ गया, ये देखें, और इसका टेक्स्चर भी बड़ा अच्छा हो गया। तो करते हैं ग्रेवी उसके अंदर मिक्स। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं चने की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है, काबुली चने। मैं एक बार आपके साथ शो भी कर देता हूँ, ये देखें टेक्सचर कितना अच्छा आया। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी, आप भी ट्राई करें इस तरह से जिस तरह से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो अगर आपकी कोई रेसिपी है डिफरेंट इससे बनाने की, तो वो मेरे साथ आप शेयर कर दें उसका लिंक, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कल एक नई वीडियो लेके आपके साथ दोबारा मिलते हैं। स्टे सेफ, टिल देन।
Thank you.